हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक और नए शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं जिसका नाम है EPL लिमिटेड। 271 रुपये का ये शेयर चल रहा है। लगभग 6% की आज के दिन में तेजी होती हुई नजर आई है। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है, एज वेल एज कंपनी का चार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, वो सब चीज से रिलेटेड हम जानेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कुछ स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, समझना है, और सीखने के लिए क्या करना है, ये वीडियोस जाके देखिए। एक एक से बढ़कर एक वीडियोस आपके लिए बना रखी है। साथ में अगर आपको काम भी करना है, आप सीखना चाहते हो और अच्छे तरीके से, तो 8860540501 8169261037 दो नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, शेयर क्यों भागते हैं, शेयर क्यों गिरते हैं, ये सारे आंसर आपको इस कोर्स में पता चलती हुई नजर आएगी। 25,000 रुपए का कोर्स है, 25,000 रुपीज का, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाएगा। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत लगभग 85,000 रुपए होने वाली है। तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। साथ में काम भी करना है तो भी आप हमसे यहाँ पर काम कर सकते हो मिलके। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड। EPL लिमिटेड तो कंपनी करती क्या, देखिए, नोन एज द SL प्रोपैक लिमिटेड, इज द लार्जेस्ट स्पेशलिटी पैकेजिंग ग्लोबल कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग एंड लेमिनेटिंग प्लास्टिक ट्यूब्स, कैटर्स टू द ब्यूटी एंड द कॉस्मेटिक, फार्मा, हेल्थ, फूड, ओरल एंड होम्स। तो यहाँ पर ये कंपनी क्या काम करती हुई नजर आती है, ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है आपकी पैकेजिंग की, ठीक है। जितनी भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, चाहे फूड प्रोडक्ट हो, ओरल केयर से रिलेटेड हो, या बात करें कॉस्मेटिक, फार्मा, ब्यूटी, ये जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स आते हैं ना, मोस्टली जो उसकी पैकेजिंग का दायित्व है, जो इसका काम है, वो इसी कंपनी का, EPL का। तो आप चाहे तो एक बार इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर जान सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर पता चल जाएगी ये कंपनी किस किस चीज से रिलेटेड, मतलब किस किस बात करें कंपनी क्लाइंट है इनके, किस किस कंपनी के साथ काम करती है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा। ये कंपनी इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल स्पेशलिटी पैकेजिंग कंपनी है, ठीक है। 1 बिलियन ट्यूब्स विद द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट्स अक्रॉस, देखिए, USA, मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, पोलैंड, जर्मनी, इजिप्ट, चाइना, फिलीपींस और इंडिया में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। ओरल केयर से 53%, तो ओरल केयर मतलब टूथपेस्ट वगैरह, तो हम बात करें तो शायद HUL के लिए भी काम करती हुई नजर आती होगी, डाबर के लिए भी करती हुई नजर आती होगी। और यहाँ पर ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक की बात करें तो 34%, फार्मा 10%, होम एंड इंडस्ट्री से 4%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 कंट्रीज में 21 फैसिलिटीज के थ्रू यहाँ पर ये कंपनी काम करती है, और 3500+ इनके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉय यहाँ पर इनके साथ काम करते हुए नजर आते हैं। यूरोप से 21% का रिवेन्यू, अमेरिका से 23, अमेरिका से 34%, और EAP से लगभग 22% का यहाँ पर रिवेन्यू आता है। और इनके हर जगह पर यहाँ पर क्या है, प्लांट है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करी थी इनके कस्टमर की बात करें तो देखिए P&G, कोलगेट, ठीक है, यहाँ पर यूनिलीवर, जो मैंने HUL की बात करी थी, GSK, है ना, यहाँ पर आप देखिए जॉनसन एंड जॉनसन, डाबर, इमामी, हिमालय, पतंजलि एटसेट्रा, तो इनके क्या है, क्लाइंट है। तो ये अच्छा खासा ये कंपनी काम करती है, जब इतने बड़े लोगों के साथ ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो जाके एक बार देख लीजिए इनकी वेबसाइट को, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये जो इनका जो पैकेजिंग है, ये क्या है, ये पर्टिकुलर इसी कंपनी की यहाँ पर पैकेजिंग है, ठीक है। इस तरीके से ये हर चीज की ये पैकेजिंग करते हुए नजर आते हैं। जाके आप देख लीजिए इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके की ये जो पैकेजिंग है, ये पर्टिकुलर कंपनी करती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जो ग्लू वगैरह आते हुए नजर आते हैं, है ना, ये सब तरीके ये कंपनी करती हुई नजर आती है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी के से रिलेटेड और भी चीजें। तो देखिए 8652 करोड़ रुपए की कंपनी है, मतलब क्या स्मॉल कैप। जब स्मॉल कैप की बात करूं तो क्या याद रखना है, रिस्क कि कंपनी छोटी है, रिस्क ज्यादा है और साथ में रिटर्न भी ज्यादा है। तो जब गिरेगा तो याद रखिए बहुत ज्यादा गिरेगा, बट जब भागेगा तो उसी तरीके से भागता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब गिरा कि 40 रुपए वाला स्टॉक 5 रुपए पे आ गया, और जब भागा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 300 रुपए तक भागा, और फिर जब गिरा तो दोबारा यहाँ पर 100-150 रुपए तक आ गया। तो इसी तरीके से 40-50%, 60% तक के रिटर्न, मैंने 90% तक के रिटर्न देखे हैं कि मार्केट में इस तरीके से ले लिए जाते हैं। EPL की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए रिस्क साथ में स्मॉल कैप की बात करूँ तो हमारी बात करें स्पेशलिटी इसमें है कि हम स्मॉल कैप से रिलेटेड ही बात करते हैं, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
34 का पी है, इंडस्ट्री का पी 28 का है, तो देखिए थोड़ा सा महंगा नजर आता है, बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ पी आर ओ सी ई आर ओ ई, ये सारी की सारी क्या है, मिथ है। अगर आप इनके पीछे भागोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, और इन्हें इग्नोर भी नहीं करना है, सीखना है, समझना है, बट अपने दिमाग, क्योंकि स्टॉक मार्केट की पढ़ाई अलग है और स्टॉक मार्केट की प्रैक्टिकल अलग है, दोनों चीज को यहाँ पर मिक्स एंड मैच मत करिए, अगर वो करेंगे तो यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा। सेल्स ग्रोथ लगभग 6% की हुई है, प्रॉफिट की हम बात करें मार्जिन की तो 59% की यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर जंप देखी गई थी। प्लेजिंग की बात करें, किसी तरीके की प्लेजिंग नहीं है, 44% के आसपास का डेट भी है यहाँ पर, देखोगे कंपनी थोड़ा वो डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। दो के फेस वैल्यू है, 273 का हाई लगाया है आज के दिन ही, 52 वीक हाई कह सकते हो, या और 170 का इसका क्या था, 52 वीक लो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जानेंगे इस कंपनी से रिलेटेड, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर ठीक ठाक होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो यहाँ पर काम नहीं हो रहा कि 700 800 900 इस तरीके से अच्छी खासी जंप दिखाई दो ना, बट आप देखेंगे तो कंपनी धीरे धीरे अच्छा काम कर रही है, और यहाँ पर आप देखोगे तो जो सेल है वो ईयरली बेस पर भी बड़ी है ना, क्वार्टरली बेस पर लगभग यहाँ पर 3-4 क्वार्टर से फ्लैट सेल आती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट की रेंज की बात करें वो भी यहाँ पर फ्लैट यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, साथ में यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी फ्लैट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या करना है, क्या अभी जंप कर देना है, अभी इस तरीके से ले लेना है, तो इससे रिलेटेड बातें करेंगे, बट याद रखिएगा मेरी केवल ओपिनियन रहेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और उसके बेस पे यहाँ पर डिसीजन लेना है। ईयरली बेस पे बात करें तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है कि सीधे एक साथ ही जंप लगा देती है, बट कंपनी का काम इस तरीके से है कि जब बहुत ज्यादा सेगमेंट आ रहा है, बहुत ज्यादा इनका कंज्यूम भी किए जाते हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट, ठीक है, लोग एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार प्रोडक्ट अपने बैग में लेके, अगर लेडीज की बात की जाए दो दो तीन तीन तरीके की लिपस्टिक, 4 तरीके की लिपस्टिक हो गई, नेल पॉलिश हो गई, साथ में हम बात करें जब बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके ग्लू वगैरह है ना, घर में अलग अलग तरीके के पाउडर्स भी होते हैं, अलग अलग तरीके के परफ्यूम्स भी होते हैं, अलग अलग तरीके के बात करें यहाँ पर सेंट्स भी होते हुए नजर आते हैं, तो हर तरीके के एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार प्रोडक्ट रखते हुए नजर आते हैं, तो कंज्यूम भी उसी तरीके से होता है, तो शायद इस तरीके के जब ये पैकेजिंग करती है उनकी तो इनका बिजनेस मॉडल भी शायद टर्न अराउंड हो सकता है, तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, इससे पता चलता है कि कंपनी आपको शायद कभी घाटा नहीं देती हो जाएगी, अगर आपसे थोड़ा सा 5-10 साल का व्यू लेके भी यहाँ पर रखते हो ना, तो आपके डिसेंट रिटर्न यहाँ पर बन सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी यहाँ पर करोगे तो आपको और ज्यादा इनसाइड व्यू मिलता हुआ नजर आएगा। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर 2000 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व्स है, बॉरिंग की बात करें बॉरिंग भी साथ में बढ़ी है, 72 करोड़ के वर्क इन प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें 200 करोड़ के आसपास का कैश भी पड़ा हुआ है, पॉजिटिव कैश फ्लोज है, साथ में यहाँ पर देखोगे तो प्रमोटर्स के पास एज इट इज 51.50% के शेयर है, एफआईज के पास अच्छी खासी होल्डिंग थी बट बीच में बेची थी, बट दोबारा यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईज यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, और पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पर बात करेंगे तो 25% है, उसमें से यहाँ पर अशोक कुमार गोयल के पास लगभग 7% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। और एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 12 सितंबर को अशोक गोयल ट्रस्ट, ओके, इन्होंने लगभग 88 लाख शेयर यहाँ पर बेचते हुए नजर आया, जब 88 लाख शेयर इन्होंने यहाँ पर बेचे हैं तो वो किस प्राइस के भाव के बेचे हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो वो लगभग 243 रुपए के आसपास बेचे गए हैं, अभी शेयर कितने पे चल रहा है, 271 रुपए पे, तो बेचने के बाद भी शेयर क्या है, शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर नहीं आया बल्कि यहाँ पर भागा ही है, इस चीज को भी आपको क्या करना है ध्यान देना। अब चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, बट इससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, बैंक चैनल की रिकमेंडेशन है, चीजों को सीखने पर ध्यान देना, कोर्स है ज्वाइन कर सकते हो, काम करना है तो भी यहाँ पर इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट से भी, चार्ट क्या कह रहा है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो चार्ट यहाँ पर कह रहा है शायद इस शेयर में मार्केट अब उस रंग में आ गई है जो पहले रंग था, तो शायद यहाँ पर एक तेजी होती हुई नजर आ सकती है, बट स्टिल आपको क्या करना है, आप अगर यहाँ पर एंट्री ले भी रहे हो तो 272-273 रुपए पे आपकी एंट्री बनेगी, और आपको 2 से 4 4-5 रुपए का 6 रुपए का यहाँ पर आपको रिस्क लेना है, इससे ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, चीजें रिवर्स हुई तो चुपचाप निकल जाना है, ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 272-273 रुपए पे एंट्री बनी, ठीक है, 200 लास्ट मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 200
65 रुपए के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस, 5-6 रुपए का यहाँ पर रिस्क हो गया। जो पहला टारगेट बनेगा ना वो 293 का बनेगा, जो कि लगभग लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 रुपए के आसपास का। तो ये तो पहला टारगेट हो गया, ठीक है। और मुझे क्या लगता है कि यहाँ से शायद चीजें ऊपर जाएगी और ऊपर यहाँ पर जाके ना थोड़ा सा दोबारा नीचे आ सकती है, चांसेस इसके बहुत ज्यादा है कि इसके नीचे आए और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। बट जिस दिन ये शेयर 293 के ऊपर पहुंचेगा तो दोबारा 2-4 रुपए का यहाँ पर, 5 रुपए का रिस्क बनेगा, और उसके बाद जब आप एंट्री लोगे शायद ये शेयर आपको 300 की जगह 400, 400, 500 इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ जाए, ठीक है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। और कंपनी के बारे में और ज्यादा यहाँ पर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर लेना नहीं है। चीजों को सीखने की कोशिश करना है, सीखने के लिए वीडियोस मैं हमेशा बनाता रहता हूँ। इन नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।